मार्केट। मैं वो पार्लर में जा रही हूँ जहाँ पे मैं अपने शादी में रेडी हुई थी। दर्द हो रहा है कि नहीं? लाल लाल हो गया ना। ये एक पसंद की है, अच्छा लग रहा है, पसंद मेरा है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। आज मैं जाने के लिए रेडी हुई, आज सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मैं जा रही हूँ तिनसुकिया, पार्लर जाना है और थोड़ा काम भी है मार्केट में। तो अभी हम क्या करते हैं, कैसे जाते हैं आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना। चलिए मिलते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी में, हम दोनों अब जा रहे हैं मार्केट। मार्केट का ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को। ये वैसे के लिए कुछ खास लेना नहीं है, लेना नहीं है, बस पार्लर जाना है मुझे। मेरा फ्रेंड का शादी है कल, तो उसका रिसेप्शन है, वेडनेसडे जाना है, इसलिए बोलेंगे पार्लर जाना है, आईब्रो वगैरह बनाना है। तो चलो, मैं वो पार्लर में जा रही हूँ जहाँ पे मैं अपने शादी में रेडी हुई थी। हाँ हाँ, चलो उधर का सीन उधर दिखाएंगे। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में अब की। पेट्रोल पेट्रोल डीजल से भी चल रहे, गलती से डीजल मत डाल दीजिएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं तिनसुकिया, ओवरब्रिज पे सोच रहे हैं। ये राइट टर्न लेना है, ये जाएगा चूरापट्टी, उधर ही जाना है क्या हमें? हाँ, इधर राइट संडे की वजह से देखो इधर बिल्कुल पूरा मार्केट बंद है, लेकिन आगे जो जीएनबी रोड है ना, हाँ। उसमें मार्केट लगता है, संडे मार्केट काफी ज्यादा भीड़ होगा, दिखाना आगे चल के। ये कौन सा रोड है? चूरापट्टी, चूरापट्टी, चिरोवापट्टी नाम है, चिरोवापट्टी। यहाँ से संडे मार्केट स्टार्ट हो गया। ये लेफ्ट साइड में जो जीएनबी रोड है, नो एंट्री लगा है, ये कम्प्लीट संडे मार्केट बैठता है इधर। हाँ, और हाँ, और इधर भी स्ट्रेट तो बैठेगा ही, आगे एकदम कॉलेज की नाली से भी आगे तक बैठता है। तो ये सब्जी मार्केट, सब्जी का मार्केट है संडे मार्केट। हाँ, इधर सब्जी का मार्केट, मतलब संडे मार्केट में सब्जी हो गया, मसाले हो गए, सब कुछ मिलेंगे। मैं सोची दिल्ली में जैसे कपड़े वपड़े सारे मिलते हैं, नहीं कपड़े वपड़े भी नहीं, कपड़े का नहीं, एक्चुअली ये सब्जी का है, सब्जी। और यहाँ पे नॉन वेज, जगह जगह पे नॉन वेज है, इस साइड बहुत कम लगता है, उतना ज्यादा नहीं लगता है। हाँ। ये आगे जाओगे थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जो जीएनबी रोड में है ना, वो पूरा समझ लो वहाँ से लेके एकदम ऑलमोस्ट विशाल तक, ठीक है ना, विशाल मेगा मार्ट। हाँ, विशाल मेगा मार्ट तक, मतलब सब्जी वाला मार्केट लगता है। इधर से आते टाइम जो विशाल होता है, ना? अच्छा, आपको विशाल भी तो जाना था ना? जाना है। हाँ। ये तो हम लोग जाएंगे घूम फिर को, पाए नहीं है। देखो रिटर्न होते वक्त ना इधर से नहीं आएंगे वापस, वापस हम लोग उस रोड से आएंगे, मतलब दुर्गा बड़ी होकर। ये भूतनाथ मंदिर है, ये भूतनाथ मंदिर, हाँ, मंदिर प्लस शमशान है अंदर। अच्छा, ये देखो ये सारा, मतलब यार सब्जी लेते ही चलते हैं ना तो ज्यादा बढ़िया, फिर क्यों हम लोग नहीं, चलो आते टाइम लेंगे लेट वगैरह, क्योंकि वो घूम के इधर नहीं आना है, मेरी वजह से वेट करे ज्यादा। ये है तिनसुकिया का सिविल अस्पताल, ये है इसका एंट्री, देखो ये एंट्री है, इधर से इसका जो मैटरनिटी डिपार्टमेंट है ना, डिलीवरी वाला, वो आगे है, मतलब दो गेट है, जनरल पेशेंट के लिए इधर से है और मैटरनिटी के लिए यहाँ से गेट है, ये वाला गेट है। हाँ, मतलब अस्पताल का ही दो साइड से गेट रखा है, जाम लगेगा ना, बट ये गेट देख के तो लगता नहीं कि अब खुल रहा है, शायद उधर से ही आना जाना हो रहा होगा, पहले इधर से गेट ओपन था। एक्चुअली हम लोग ना पार्लर वाले का ना घर जा रहे हैं, क्योंकि आज संडे को उनका पार्लर बंद है, उनका घर पे भी स्टूडियो बना हुआ है, घर पे भी स्टूडियो रखी है वो, वहाँ पे मेरा ब्राइडल मेकअप वहीं पे हुआ था। यहाँ पे मैडम का काम चल रहा है, शायद थ्रेडिंग बना रही है, ये इनका घर पे स्टूडियो है, एक्चुअली प्लांट वगैरह रखी है। वैक्स का मजा, दर्द हो रहा है कि नहीं? अबे लाल लाल हो गया ना,
को हनी का तरह है बिल्कुल, ऐसे होता है वैक्स, पहले बार देख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम आप तो आना, मैं मर जाऊँगा भाई। मेरे से ना होगा। अब मैं पार्लर से निकल के जा रही हूँ, कुछ पेट पूजा करेंगे हम लोग, भूख लगा है क्योंकि सुबह का नाश्ता करके ही हम लोग आए थे, दोपहर को कुछ खाया नहीं है, शाम 4 बज गए हैं। अरे पार्लर वाला आप भी थी बताओ जो दुखी हो। पार्लर से तो मैं दुखी हूँ भाई साहब, दिल्ली में इतना सस्ता है, यहाँ तो भाई एक हैंड का 250 रूपए वैक्स का, मतलब क्या बताऊ। सबसे ज्यादा महंगा वही लगा ना मेरे को, बहुत महंगा लगा। बाकी आईब्रो वगैरह, आईब्रो भी महंगा है, 40 रूपए लिया, क्या महंगा है। आईब्रो 40 रूपीज लिया, ठीक है, अपर लिप्स का 20 रूपीज लिया, फोरहेड का 20 लिया। 50 रूपीज में मैं अपर लिप्स और फोरहेड भी करवाती थी। अच्छा, एक्चुअली ना अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, अभी अलग अलग जा रहे हैं हम लोग को, मतलब रीजनेबल प्राइस अच्छा होगा वहाँ, बाद ये नहीं कि रीजनेबल प्राइस ही हो, अच्छा ना हो, प्राइस भी अच्छा हो और काम भी सही हो। ये दूसरा है, पहले हांगकांग में गए वहाँ पे भी लूट रही है भाई, हांगकांग वालों से भी महंगा, हांगकांग वाले 200 रूपए का शायद ना वैक्स, वहाँ पे वन हैंड का 200, यहाँ पे 250। देखो जबकि उसके घर गए थे हम लोग इतना दूर अंदर, चलो बेकार है, एक्सपीरियंस खराब रहा इसका। अभी हम लोग आ गए पेट पूजा करने मामा भगीना में, मामा भगीना फ्राइड राइस मतलब चिकन फ्राइड राइस और कबाब खाएंगे। अभी यहाँ चिकन हम लोग खाना है, टूट पड़े पूरा दोनों का, फिर करे बड़ा कैसे भूख लगा हो और पूरा गर्म गर्म खाना मिल जाए तो खाने का मजा ही। इधर है कबाब, इधर है फ्राइड राइस, खाते हैं हम लोग। यह है तिनसुकिया डेली बाजार मेन गली, चलो आगे चलते हैं। मार्केट में काफी संडे है फिर भी भीड़ भाड़ है यार इतना, ईद है ना। अच्छा ईद के, अच्छा ईद का बाजार है, ये कहानी है। मटका खाओगे? नहीं खाना है मेरे को, खाना है दादा उस शादी में, तो मैं तो खाऊंगी नहीं, ठंडा नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया बेटा। डेली बाजार का मेन गली है, संडे को ईद के लिए। कितने तारीख को ईद है? वो देखो दोनों साइड सिर्फ सेवाई, 3 तारीख को ईद है। यह है तिनसुकिया का शिव मंदिर, लेके आएंगे किसी दिन। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, देखो मंदिर को ना नेट से कवर कर, नेट से कवर इसलिए किया ना कबूतर गंदा ना कर, देखो देख रहे कबूतर से बचाना पड़ रहा है मंदिर को। देखो पेंट वगैरह तो काफी अच्छा लग रहा है, देख लो इधर टॉप देख रहा था ना, देखो इधर। वैसे करोगे क्या टॉप का? कब जाएंगे? ज्यादा नहीं लेना है लेकिन, एक ही लेना है सिर्फ। ये एक पसंद की है, अच्छा लग रहा है, पसंद मेरा है। एक और देख लो, देख लो। ये है बच्चों वाली सेक्शन, कंप्लीट इस फ्लोर में बच्चों का है इस साइड, और आगे उस साइड शूज वगैरह है। हो गया डन? साइज बढ़िया रहा है? दिखाना एक बार, खोल ऐसा करके दिखाना, सही है। चलो ऊपर बिलिंग करा देते हैं, अच्छा लग रहा है वैसे। चॉइस मेरा, दिखाओ प्राइस, दिखाओ प्राइस, दिखाओ ना प्राइस। नहीं दिखा क्या लेने के रहता है? और मोटे $9.79
हम लोग आए थे दिन में, अब हो गया बिल्कुल शाम, है ना, थक गए यार काफी ज्यादा। अब बस क्या लेना है? सब्जी लेना है, सब्जी लेके चलते हैं। देखो अंधेरा हो गया बिल्कुल, है ना, शाम जल्दी हो जाएगी। हाँ सब्जी क्या खरीदे मैडम? देखो ये स्क्वाश और मिर्ची, इसका सब मिर्ची यही खाना है। यहाँ देखो क्या पूछना है, 40 रुपए 40 भैया। करेला कैसे भाव? हाँ करेला, करेला 60 रुपए किलो, करेला महंगा है। अभी स्क्वाश लिए ना, चलो आ जाओ स्क्वाश खाएंगे, दो दिन बाद ले जाएंगे। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, हो गया हमारा शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना था। माय गॉड बहुत थक गए हैं आज, बहुत चलना पड़ा क्योंकि गाड़ी पार्क हमने कुछ ज्यादा ही दूर कर दिए थे, इस वजह से बहुत ज्यादा इतना चले हैं कि पूछो मत। मैंने बोला था इनको कि मोटर बाइक से चल लेते हैं, दिक्कत नहीं होता है, तो मेरे को फीवर आया था ना, इनको फीवर है, मच्छर घुस गया अंदर, फीवर की वजह से मैं बोली थी कि बाइक से नहीं जाएंगे, हवा लगेगा तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। चलो अब ना इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय बाय।